तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के बारे में। तो टिकटॉक का अभी अभी मुझे पता चला है कि टिकटॉक बैन कर दी गई है पाकिस्तान में। तो पहले इंडिया में भी बैन थी, और अभी अभी मैंने जैसे इस व्हाट्सएप के स्टेटस ओपन किए तो सबसे पहला स्टेटस मुझे एक न्यूज़ का मिला था कि टिकटॉक को बैन करने का सोच रहे हैं। तो जैसे ही मैंने टिकटॉक ऑन करके चेक किया अभी अभी, तो टिकटॉक नहीं चल रही थी। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप टिकटॉक कैसे चला सकते हैं, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लवर्स हैं टिकटॉक के जिनका टिकटॉक के बगैर गुजारा नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो है कि वो टिकटॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसको मेंटेन रख सकते हैं कि उनका अकाउंट भी डिलीट ना हो या ऐसा कुछ ना हो। तो यही सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। यहाँ पे मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करके सिंपल आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप ज़्यादातर अगर कोई भी चीज़ बैन हो ना पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, तो आप जोंग की सिम पे वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं विदाउट वीपीएन। लेकिन मैंने ये ट्राई नहीं किया, पबजी जैसे बैन हुई थी तो उसके बाद हमने ट्राई किया था जोंग की सिम पे, तो वो बगैर वीपीएन के काम करती थी। लेकिन ये भी मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि जोंग की सिम पे कोई इसके पैक ही नहीं था। तो मैं आपको वीपीएन का बता देता हूँ। पहले हम सिंपली टिकटॉक ओपन कर रहे हैं और आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये चलती है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं वाईफाई भी कनेक्ट है, और यहाँ पे जो हमारी टिकटॉक है वो काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे आप जो मर्ज़ी करें, यहाँ पे आपकी टिकटॉक लोडिंग में ही रहेगी। ये ऊपर आप देख सकते हैं एनेबल टू कनेक्ट लिखा आता रहता है और कुछ भी काम नहीं करता। तो अभी मैं इसको यहाँ पे बैकग्राउंड से भी रिमूव कर रहा हूँ, और अब मैं आपको बता रहा हूँ वीपीएन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सुपर वीपीएन है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते कुछ इसका ऐड आता है, क्योंकि ये फ्री है तो इसका ऐड का हक बनता है इसका इतना। तो यहाँ पे मैं सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और कनेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे ऐड आ गया, और यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे डिसकनेक्ट लिखा हुआ आ गया। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आइकॉन इसका बना आता है, ये वाला वीपीएन ऑन लिखा हुआ आ गया। तो अब हम करते हैं इसको टिकटॉक को ओपन, और अब हम चेक करते हैं कि ये चलेगी या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टिकटॉक चल पड़ी है। आप जैसे मर्ज़ी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई बैन होने का कोई ख़तरा भी नहीं है क्योंकि। तो यहाँ पे आप इस तरह से अपनी टिकटॉक को आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टिकटॉक को सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं अपने मोबाइल में। तो बेसिकली मुझे तो ज़रूरत नहीं है टिकटॉक की, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ज़रूरत है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है, जैसे कि ये बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं यहाँ पे हमारे पास, तो इनको अपना अकाउंट चलाने के लिए अब इसका वीपीएन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप अब जैसे मर्ज़ी इसको रिमूव करें और दोबारा जैसे मर्ज़ी चलाएं, आप जितनी बार भी इसे चलाएँगे ये आसानी के साथ आपके पास चल जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यही थी आज की हमारी वीडियो कि आप टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन हो गई लेकिन फिर भी कैसे चला सकते हैं फ्रीली। तो आपको वैसे तो बहुत सारे जो है वीपीएन बताए जाएंगे, लेकिन ये वाला वीपीएन जो एक फ्री है और एक ये ट्रस्टेड है। बस इसका ये है कि इस पर ऐड आते हैं, तो जो वो फ्री में आपको दे रहा है इसलिए इतना तो उसका हक बनता है। तो इस तरह से आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं टिकटॉक को, जब दिल चाहे मर्ज़ी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का टाइम नहीं गुजरता टिकटॉक के बगैर, तो वो इस तरह से अपना टाइम गुजार सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।